मैं ब्लू वाला सॉक्स नहीं मिल रहा मम्मी। वो भी अभी मैंने मिल कितने सारे उसे सॉक्स ला के रखे थे ना, देख वापस से गया। देख एक ब्लू नहीं मिल रहा है। कहाँ गए सॉक्स? देख इसकी जोड़ी मिली, इसकी एक नहीं मिल रही, इसका शायद मैंने अभी बाहर लगाई ब्लैक वाला। अभी नए वाले सॉक्स। अस्सलाम वालेकुम, मैंने पिछले व्लॉग बोली थी ना कि आपको ज्वेलरी दिखा के चलो पहले असर मगरिब पढ़ लो। असर तो मैंने कजा पढ़ी, मगरिब पढ़ी, लेकिन अब तक मुंह बहुत सूखा है, चाय नहीं मिली। तो पिछले ब्लॉग में बेटी की जिक्र सुन रहे थे तो बेटों को बोला मैंने चाय बना दो, तो बड़ा वाला बोलता है कि मैं जैसे चाय बनाऊंगा वैसे पियोगे आप? तो अमीन बोलता खाली बहाने मत करो, दो तुम मम्मी को चाय बना के। तो बोलता देख मम्मी मेरे जैसे चाय पी नहीं सकते, मैं जैसे आता वैसे बना देता हूँ। तो फिर दोनों की बहुत आर्ग्यूमेंट हुई। मैंने बोला जा भाई मैं अपनी, क्योंकि और हकीकत है बच्चों की गलती नहीं, मेरे को बहुत चूजी हूँ मैं, मेरे को अपने पसंद की ही चीज चाहिए, चाहे कुछ भी हो, खाना हो, कपड़े हो, घर हो, काम हो, सब मुझे अपने पसंद के, अपने सब जैसे मैं करती हूँ जैसे परफेक्ट होना चाहिए। तो उसमें तो मेरे मेरे साथ बहुत बार अमीन का आर्ग्यूमेंट होता है। मेरा अली बेचारा कुछ नहीं बोलता, मुझे खामोश हो जाता है, दिल में जो रहता है वो इसको बोलता है, पर मेरे से आर्ग्यूमेंट नहीं करता। मेरे से आर्ग्यूमेंट करता है ये, क्योंकि मेरा बहुत लाडला है ना, और होना चाहिए। बच्चे को इतना फ्रीडम हमें देना चाहिए कि वो अपने दिल की बात हमेशा बेझिझक किसी के भी सामने, माँ बाप हो या बाहर हो, बेझिझक करना चाहिए। और उसमें अगर कहीं गलत है तो हम बैठे हैं ना उनको सिखाने के लिए। चलो इसी बात पे बनाते एक कप चाय और मस्त पीते। स्त्री वाले को कपड़ा देके बेडरूम वगैरह क्लीन करी, हॉल क्लीन करी। अमीन चला गया जिम और अली गया उसके दोस्त की शादी में। तो यहाँ पे मैंने रखी अपने लिए चाय, हो गई मेरी रेडी, अब बस निकालना है। और ये जो मसाला मिक्स करके चिकन रखी थी, कच्चा मसाला, इसको कहते हैं कच्चे मसाले वाला चिकन। तो इसको थोड़ा सा फ्लेवर वाला, जैसे हम कोई चीज़ फ्राई करा हुआ तेल रहता है ना, और वो तेल के अंदर इसको बनाया जाता है। और नहीं रहेगा तो थोड़ा तेल गरम कर कर डालना इसके ऊपर से। ये वो चिकन है, कच्चे मसाले का चिकन। और ठंडी के सीज़नों में ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। तो अब यहाँ पर इसको स्लो करती हूँ, चाय निकालती हूँ, तो थोड़ा आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। भाई क्या कर रहा, ये बदमाश क्या कर रहा, ओ क्या कर रहा बदमाश? आज रेशमा की बहुत याद आ रही है, कल ही नहीं गई, कल खाली फोन करके पूछी थी मैं, परसों भी गई थी बच्ची को मिलकर आई थी, कल नहीं गई, कल जाने का सोची थी लेकिन रात को पकाना था इसलिए फिर गई नहीं। और ये कप मैं ज्यादा से ज्यादा रेशमा चाय पीती है, ये कप वही पीती है, लाई थी मेरे लिए लेकिन पीती वही है, तो इसीलिए मैंने इसमें चाय निकाली। और सालन को कर दी स्लो, तीखा वगैरह स्पाइसी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा डाला है मैंने आगरी मसाला और शायद ये बार का बहुत स्पाइसी है, तो थोड़ा सा उसको बना लेती हूँ। और उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत सामान निकाली भी हूँ और देखती हूँ सालन भी कैसा बनता है, फिर थोड़ा सा बच्चे को मिलकर आती हूँ जाके। सुबह से ऐसे मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकली हूँ, आज सारा दिन घर के कामों में, उसके बाद तबीयत थोड़ी ढीली हो गई तो फिर यहाँ पर लेटी रही। तो माशाल्लाह मेरा बच्चा आया अली, उसने काफ़ी हेल्प करी, मेरी चीज़ें भी जाकर लेकर आई, तो सब चीज़ें हो गई, नहीं तो फिर मुझे ही भागना पड़ता था। तो अब खाना बनाती हूँ और फिर अमीन तो चला गया जिम, फिर थोड़ा बच्चे को मिलकर आती हूँ रेशमा को। कहा हुआ बे अबा, कहा हुआ नाई पिनो? पिनो तो उधर सोई होगी। जिमी, ओ जिम्मा, ओ जिम्मा, ओ जिम्मा, ओ हल हो जाएगा उसका आवाज देने का मेरे को, जा रही मेरी बेटी को मिलने के लिए। ए जी माँ, क्या हो गया, क्या हुआ, जा सुस्ती बोले थी, सुस्ती निकालने को उठा तो भी डिस्टर्ब कर रहे, मैं जा रही रेशो दीदी को मिलने, जाओ है ना जल्दी आओ। मैंने आज वो कॉर्ड सेट पहन लिया, मैक्सी विक्सी का पहनू ना, मस्त लग रहे, अच्छे लग रहे, वाह मैंने देखा, मेरे को तो लग रहा रनिंग करने जा रहे, ऐसे जूते पहन के सॉक्स रेडी होके। सच्ची में अमी मेरे को ना सच्ची 2024 में सच्ची में मेरा ड्रीम पूरा करना है, विदाउट मेडिसिन फ्री हेल्थ ऑलमोस्ट 30% कम, नॉट 50%, फिर कुछ ज्यादा यंग दिखूंगी फिर मैं, 30% 20% भी कम। ये देखो इसको इधर इधर, ए जिम्मी, ए जिम्मी, ए जिम्मी, ए जिम्मी, ए जिम्मी, ए जिम्मी, इसको कोई गुस्सा पलक भी आके सोएगा, ए जिम्मी तीनों तो सोई लिए थे। चल मैं जाके आऊं, आ जाओ चले आए दोस्त लोग, हाँ
भाई तो खूब मजे कर। तू क्यों नहीं गया शादी में? अरे जिम जाना था ना, भूल गया था मैं। चल मैं दीदी को मिल के आती, कुछ लाओ तेरे लिए बेटा। नहीं अरे क्या, मैंने स्पाइसी चिकन बनाई हो। वो सैलेड लाओ क्या आज भी? नहीं अभी बहुत फालतू का पैसा मत डाल, इतना अच्छा खाना बनाई हो बच्चा। प्लीज ब्राउन ब्रेड ले क्या? हाँ। वो वाले कौन से अमीन? मल्टीग्रेन। पर अभी शायद बंद हो गया रहेगा, टाइम देखो 11:45 भी नहीं बजा। हाँ तो बंद हो जाता है। माय होम एक बार मिलता है, ऑनलाइन मिलता है तो देख लेना। ठीक है जा करो। जिमी जाओ बोलो। हाँ हाँ बोलो देखो। बच्चों से छुपते छुपाते गाड़ी यहाँ पे रख के आगे भाग कर आई हूँ। कहाँ घूम रही थी इतनी रात को? वालेकुम अस्सलाम। रेशमा गई थी डॉक्टर के पास। हाँ रेशमा के पास जा रही थी, डॉक्टर के पास गई। तू है किधर है? घर में अभी कदम भी नहीं रखी, ऑर्डर मिल गया मेरे को। मम्मा मेरे को ऑरेंज दुपट्टा है क्या आपके पास, ऑरेंज या ग्रीन? मैं बोली क्यों क्या हुआ बोल। अमीन भाई तो बोले मेरे को ना कल फ्लैग सेरेमनी के लिए सब पहनना है, कुछ करना है, कुछ है उन लोगों का। तो मैंने परसों बोले नहीं हम लोगों को कल सब चीजें का रेडी करना है, क्या पता कुछ होगा। तो मैंने है मतलब व्हाइट कुर्ता पैजामा चाहिए। मैंने है तो बोले निकाल दोगे प्लीज, सुबह मुझे जल्दी जाना रहेगा। मैंने हाँ निकाल देती हूँ। तो अभी बस ढूंढ ढूंढ के निकाली हूँ और माशाल्लाह प्योर कॉटन का ऑरेंज दुपट्टा मिल गया। मेरे बेटे का काम परफेक्ट हो गया, ऐसे भी मेरा काम सब परफेक्ट ही रहता है। ये वाला ऑरेंज दुपट्टा एंड उसके साथ में ये निकाला कुर्ता पैजामा और ये ऑरेंज दुपट्टा हो गई। सुबह की फर्स्ट ड्यूटी जो थी मेरी वो रात को ही मैंने कंप्लीट कर दी। मस्त लग रहा ना आज हॉल में एकदम डिम लाइट। और मैंने मेरे बेटे को बोली थी हुक्का बनाने, मेरा बेटा बना के रखा, अभी कॉइल डाले इसके अंदर। चलो और हाँ सॉरी बिग बॉस भी देखूंगी आज। बिग बॉस देखते देखते चिकन एकदम मस्त वाला मैंने चिकन बनाई, थोड़ा स्पाइसी एंड उसके साथ में थोड़ा सा हुक्का, थोड़ा देर सो जाएंगे। मेरे को ये कितना कितने लोगों को मैं बोलती थी मुझे ऐसी चोटी बना के दो, ऐसी चोटी बना। तो आज मैंने अपने हाथ से ही ट्राई करी हो, ठीक है थोड़ा बहुत परफेक्ट नहीं है बट नॉट बैड, ठीक है। एक बार और करूँ, दूसरी बार और करूँ तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। यही चीज होती है जो आपको सीखना चाहो ना तो आप कोई भी उम्र मैटर नहीं करती है, आपका वो जेन्यून होता ना वो मैटर करता है। कि अगर आपने आपको कुछ सीखने की चाह है तो उसमें उम्र कभी मत देखना, तुरंत घुस जाना उसके अंदर और सीखे बगैर बाहर नहीं आना। ये मैंने आज बनाई हूँ चिकन मसाला, कच्चा मसाला इसको बोलते हैं, कच्चा चिकन मसाला। और इसके साथ में पराठा गरम करके साइड का मस्त कड़क कड़क वाला, तो वहीं पे खा ली जब सालन गरम कर रही थी। बिग बॉस हो गया खत्म और थोड़ा सा भी मैंने निकाली एक रोटी और थोड़े से हड्डी वाले पीस जो मुझे बहुत पसंद है, ये खा के इंशाल्लाह फिर जाऊंगी सोने और देखते हैं जैसे भी होगा। पर मॉर्निंग में तो उठूंगी क्योंकि 5:30 बजे का मेरा अलार्म लगा रहता है। अभी तक तो फ्रेश अप हुई नहीं हूँ, खाना वाना खा के फ्रेश हो के मॉइस्चराइजर लगा के इंशाल्लाह सोएंगे और फिर बहुत जल्दी सुबह मिलेंगे। सुबह के बजे हैं 10:45, अब मेरी सुबह हुई है और दोनों की लड़ने की आवाज़ से मेरी आंख खुली है। कौन पता है, पीनट और ये जिमी क्या जोर जोर से बात पर आवाज़ आई लोग की, उससे घबरा के उठी हूँ मैं। और सुबह सुबह अम्मी अली तो चला गया और मैं यहाँ फिर हॉल में सो गई थी। और अमीन भाई का तो रात को सब तैयारी कर दे दी थी मैंने, कपड़े से भाई ने चप्पल वप्पल भी सब क्लीन करके रख ली थी, बड़ा अभी तक गया नहीं है। अभी उठती हूँ, पहले ये दोनों के क्या नाटक है देखूँ, उसके बाद भाई को मेरे मिलती हूँ क्योंकि उसका निकलने का टाइम है, उसके बाद में फिर अपनी तैयारी करते चाय नाश्ता। ओ माशाल्लाह वो दुपट्टा भी डाल तो फिर देखो वो दुपट्टा नहीं मतलब अभी दुपट्टा ही बोले जावे ना यार, अभी उसने मेरे को बोला है गले में डालने को तो दुपट्टा ही बोलू क्या बोलू बताओ अभी आप क्या हसरा देखो। ए पीना ए जिमी जिमा ये लोग कौन लड़ रहे थे, कितनी जोर जोर से लोग की आवाज से उठी हूँ मैं।
खुद जब से तय लेट कर रहा था तब तेरा टाइम नहीं हुआ, एक शूट में करने बोली तो जल्दी करो मम्मी लेट हो रहा। कल सुबह भी तू मेरे को चिड़चिड़ करके गए अमीन, मेरा पूरा दिन चिड़चिड़े में निकले ला। अबे फांसी ले लेगा क्या बे, थोड़ा ढीला डाल, चप्पल बता बे। चप्पल तो ये पहनो। ओह जूनियर अय्यूब हाँ अच्छी लग रही, अच्छी लग रही अय्यूब की। हाँ चलो वो देख, इसको देखो जिमो, तू नाश्ता किया बच्चा? उधर कर लूंगा, बहुत मस्त लगा। दाढ़ी बता, देखो ये मैंने फेड किया इधर से, ये तो अरबी स्टाइल दाढ़ी किया है तूने, वेरी नाइस। चलो सदका निकाल के निकलो ठीक है। अमित तो चला गया, एक और जैसे कल सुबह सुबह चिड़चिड़े से चालू हुआ था, और कल तो भाई आकर गई थी, बाकी सब गंदा जो लग रहा था वो मैं कर रही थी एक्स्ट्रा काम, और आज तो मैसेज आया है कि भाई नहीं आने वाली है। ममाओ और ममाओ, देखिए देखिए दोनों लड़ना चालू, वो नीचे जिमी है देखो, थोड़ी मजा अपन भी देखते हैं लोग। हाँ अंदर है जिमी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आज तो भाई आने ही वाली नहीं है, आज सब मजूरी अपने को करना है। चलो हो गई सुबह, अब एकदम चिड़चिड़ करके गुस्सा करके कुछ फायदा है? कुछ नहीं है, इससे अच्छा शांत रखो दिमाग को और जो काम है उस पर फोकस करो और अच्छे से काम कर लो, बस यही कर सकते। क्या ठंडा लग रहा है बेडरूम में, बाप रे। बच्चे सोए थे सुबह में, वहीं पे सो गई थी नमाज के बाद, कितना काम है। देखो आए 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 दोनों, एक भागी उधर, हाँ एक उधर। चलो आओ, जैसे मैं उठी इनको पता है कि मैं किचन में जाऊंगी इनके लिए, इसीलिए दोनों मेरे पीछे पीछे। आ जा बच्चा आ जा, नहीं है खाना। ओह मेरी पीना तो सबसे पहले। कल ही मैंने कितना सारा नाश्ता लेके जाके बाहर दिए, देखो डब्बा जो खोली बिस्किट के लिए उसमें भी इतना सारा नाश्ता आज भी निकला है, इतना सारा नाश्ता के पूछने की बात नहीं। अभी तो मैंने हॉल पूरा झटक के सब सेट करी हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह बाकी है, और कपड़े बाप रे स्त्री के जो कपड़े है ना ये सब अभी डालना है कबर्ड्स में। तीन पोटली स्त्री के कपड़े आए, और चाय मैंने सिर्फ ऐसा किक लगती है ना सुबह की, चाय पियो फिर उसके बाद काम करने अच्छा लगता है, तो बस उतनी सी चाय बनाई, क्योंकि नाश्ता अगर कर लूँ काम नहीं होगा मुझसे, तो बस थोड़ी सी चाय बनाई हूँ, और जाहिर सी बात है खाली चाय मैं पीती नहीं हूँ, तो उसी लिए थोड़ा सा लिया है छोटा वाला बिस्किट का पैकेट, और आधे कप से भी कम है चाय, बस इसको चाय पी लूँ थोड़ा सा किक लगे, और फिर बहुत सारा काम करना है, काम करने शुरू कर लूँ। ऐसे तो काम शुरू कर दिया मैंने, हॉल में सब डस्टिंग वगैरह करके झटक के सब चीज़ें जहाँ सेट करना वह कर दी, बाकी सब कपड़े वहाँ रख दी ताकि वो अंदर रखूँ, फिर बेड साफ करूँ, बाद लास्ट में किचन में घुसूँगी, किचन में बर्तन बहुत सारे, और फिर किचन में पानी वानी गिरता तो इसलिए पहले झाड़ू वगैरह करती हूँ, उसके बाद में आराम से लास्ट किचन। ए पिनी इनो, बहुत ज़्यादा लड़ रहे, इतने इतने बड़े बड़े बाल है, गुच्चे गुच्चे बाल है लोग के, बाप रे बाप। मैंने क्या बोली थी, पहला सब झाड़ू पोछा सब चीज़ें होने के बाद में मैं जाऊंगी किचन में, और झाड़ू पोछा बाथरूम सारी चीज़ें बेडरूम सारी चीज़ों का काम हो गया फिनिश, एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन हो गया घर, बस सभी खाली बाकी है किचन, तो किचन में इतने सारे बर्तन और ये सब साफ करना है, बाकी तो पोछे के साथ पूरा रूम हो गया है क्लीन, तब ये फाइनल कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नहा धो के थोड़ा काम है उसके लिए बाहर निकलती हूँ। सुबह से नारियल पानी निकाल के रखी हूँ बाहर, पर अभी तक दवाई भी नहीं खाई हूँ, नारियल पानी भी नहीं पी हूँ, और ये रहा मेरा चमचमाता किचन, मस्त किचन पूरा हो गया है मेरा क्लीन, और बर्तन धोते धोते मैंने मस्त सालन भी बना दी, चिकन एंड अंडा, चिकन अंडा मसाला रात को बनाई थी, कच्चा मसाले का चिकन, तो इसको अभी बना के रख दूँ क्योंकि बच्चे शाम को आएंगे, तो शाम को ही इसके साथ में राइस बनेगा स्टीम राइस, और रोटी किसी को खाना है तो वो रोटी बन जाएगी, और ये इतने सारे बर्तन थे जो मैंने सब क्लीन करी, बॉटल क्लीन करी, और सबसे ज़्यादा मेरा हाथ कहाँ दुखा पता है बर्तन धोने में, आज है जुमेरात और ये चिराग रोशन करती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा अंदर कालक हो गया था इसमें, तो माशाल्लाह इसको घस घस के एकदम नीट
कितना खूबसूरत दिख रहा है देखो, इसको क्लीन कर दियो। और अभी इसके साथ साथ पूरा घर का काम जो है वो हो गया पूरा फिनिश, अब बस नहाना है और जो मेरा काम है उसके लिए फिर बाहर निकलना है। अब इतनी एनर्जी नहीं बची है कि तुरंत का तुरंत भागू नहाने के लिए, मैं थोड़ा देर रुक के भी जा सकती हूँ और नारियल पानी पीऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। गला बहुत ज़्यादा सूख गया, दवाई खाने मन नहीं कर रहा है, पता नहीं दवाई कौन सी है, ऐसी स्ट्रांग दवाई है मेरा मन ही नहीं करता। और अमीन और सबसे मैं डांटी सुनते रहती हूँ दवाई नहीं खाती हूँ तो। और ये मैंने निकाल लिया नारियल पानी, ग्लास में निकालो ना फिर थोड़ा बच जाता, फिर पी के तुरंत उसमें डालो। इसमें ले लो तो क्या आराम से आप काम अगर है तो काम करते करते, और अगर रील देखना है तो रील देखते देखते, नहीं तो कुछ माइंड में सोचते सोचते भी आप आराम से इसको पी सकते हो एक एक घूट करके। वैसे तो मैं अभी अपनी डायरी लेकर बैठी हूँ, मैं अपना काम करते करते नारियल पानी पीऊँगी। और मेरा बच्चा देखो, नारियल पानी पीते पीते मैंने मेरा सारा हिसाब किताब एंड मुझे जाना है वो सब चीज़ें चेक करी, डिसाइड करी। और वैसे तो मैंने चिकन मस्त बनाई हूँ, चिकन एंड अंडे का मसाला, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, बच्चे नहीं है तो मेरा दिल कर रहा थोड़ा सा बाहर जाके खाने से, बेटर है कि कुछ खा कर जाओ। तो मूसली निकाली अमीन की डाइट वाली और इसमें डाल रही थोड़ा सा दूध और इसको खा के फिर इंशाल्लाह देखती हूँ बाहर निकलने की कोशिश। और हेल्दी वाला खाना यार मस्त लग रहा है ना, आप भी खाया करो, बहुत अच्छा लगता है ये खाने के लिए। मूसली खाई और फिर मैं बोली कि चलो गर्म पानी लगाती हूँ, उसके बाद भी फिर मुझे निकलना था बाहर। तो जैसे कि सुबह एक मैसेज आया कि आज बाई नहीं आने वाली है, तो उसी के साथ पे फिर दिन भर का जो स्टार्ट होता है काम पूरा शेड्यूल चेंज हुआ, फिर मुझे करना पड़ा सारा काम, तो फिर मेरा टाइम मैंने चेंज किया निकलने का बाहर। फिर ऐसे ही अभी एक मैसेज आया कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज जो मीटिंग थी हमारी वो होगी नहीं, पता नहीं कुछ समथिंग छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम, तो वो हो गई कैंसिल। तो मैंने बोला अब क्या करूं, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं था, वो एक दिमाग में था कि वो काम का था तो काम के लिए मिलना था, बातें करना था, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी थी, तो वो सब दिमाग में था। और उसी को मैं सब चीज़ें सुबह तैयारी भी कर कर रखी थी, पेपर से हो या फिर दूसरी चीज़ें से हो, तो वो जाना नहीं हुआ तो फिर माइंड कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला चलो फिर क्या करते हो, मेरे घर में तो इतनी ठंड लगती है ना, ठंडी के सीज़न हो या बरसात का हो, मेरा जो घर का व्यू है ना, जैसे आप लोग बॉम्बे के बाहर अगर देखते हो तो आपने अक्सा बीच मारवे बीच का बहुत नाम सुना होगा, तो उससे ही थोड़ी दूरी पे है, तो बहुत ठंडी हवा और बहुत ज़्यादा ठंडा घर में मेरे ठंडक रहती है। तो मैंने सारे बेडरूम हॉल सारे खिड़की पर्दे सब बंद कर दिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो क्या करूँ सोचती हूँ, एक दो घंटा आराम कर लूँ, फिर वही अगर कुछ घर का यहाँ वहाँ का काम रहा तो नीचे उतरूँगी, नहीं तो फिर वही असर के टाइम पे उठ के फ्रेश होके इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ अच्छा नाश्ता करेंगे, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, जैसा भी रहेगा। अभी फ़िलहाल तो मेरा काम का जाना कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ रेस्ट। गहरी नींद में सोई थी, अजान के असर की आवाज जैसी कान में पड़ी तुरंत मेरी आंख खुल गई माशाल्लाह। शायद आप लोग को आवाज आ रही है नहीं आ रही है, अल्लाह जाने, चेक करूंगी मैं। चलो मैं भी नहाती हूँ, अजमेरात है, सब चीजें करके फिर थोड़ा मुझे उतरना नीचे। माशाल्लाह नहाई फ्रेश हुई और असर की नमाज पढ़ के जाने नमाज को थोड़ा सा फोल्ड करी, क्योंकि फिर इसी पे मैं मगरिब भी पढ़ूंगी और आज है जुमेरात। और मैंने आपको बताई थी कि जुमेरात जैसे कि चिराग वगैरह सब साफ करी हूँ, तो चिराग रोशन करती हूँ, लोबान अगरबत्ती जलाती हूँ। और नमाज पढ़ने के पहले मैंने मेरे बेटे से फ़ोन करी खास अमीन को और कुछ चीज़ उससे मंगाई हूँ मैं। आ गए, वालेकुम अस्सलाम। और मैंने इसको कुछ चीज़ लाने बोली हूँ तो इंशाल्लाह वो दिखाती हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें पहनते हुए और सारी चीज़ें करते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखेगा। फ़िलहाल तो अभी क्योंकि सब चीज़ें करने के बाद फिर मैं मगरिब पढ़ूंगी, मगरिब पढ़ के बाद फिर चाय वगैरह पीने बैठूंगी, तो इंशाल्लाह फिर थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करते करते ब्लॉग का एंड करूंगी, तो फिर वो सब चीज़ें करने को टाइम लगता है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखेगा कि मैं मेरे बेटे से क्या मंगाई हूँ और क्या चीज़ें करने वाली हूँ।
सुबह भी तू ऐसे दिखा, अभी भी ऐसे, तुम ऐसे दिखो मेरे लाला को, और मेरे लाला लाला और मेरे लाला के कल अकाउंट आप चेक करना, कुछ स्पेशल चीज बनकर आने वाली है उसके लिए। वो हमेशा दूसरों के लिए करता है, मेरे लिए करता है, लेकिन इसके लिए कुछ और बनकर आने वाला है लाला। ओ लाला, बहुत मस्त लग रहा मेरा लाला। कॉफी पिएगा इसी बात पे? हाँ, क्योंकि मैं अब चाय रख के चिराग रोशन करूंगी, उसके बाद चाय बना के, मतलब चाय पीने बैठूंगी, तो अपन दोनों तू कॉफी पी जा जब तक तू फ्रेश हो, और अल्लाह मेरी नजर से तुझे बचाए। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह सच में बहुत प्यारा लग रहा है। पतला लग रहा हूँ, बस इसका यही सवाल रहता है, पतला लग रहा हूँ, पतला लग रहा। आप लोग जरा कॉमेंट में, मैं जानबूझ कर नहीं बंद करी थी, आप लोग कॉमेंट में लिखना। कॉमेंट में तो यार बहुत कुछ लिखते होते, ये भी लिख दो मेरे बेटे की बातों का जवाब। एकदम नोकीली दिख रही है कि नहीं, अभी कड़ी आएगी देखो। तहज्जुद हो, फजर हो, असर हो, या कोई भी टाइम की नमाज हो, जब मैं यहाँ नमाज पढ़ने बैठती हूँ, ये मेरी बच्ची बाजू में सोई रहेगी, वो रूम में रहेगी तो भी आके यहाँ बाजू में ही सोएगी, या फिर इसके ऊपर सर रखेगी, या मतलब उसको एहसास रहता है कि मम्मा नमाज पढ़ते तो यहाँ रहना है। और माशाल्लाह मुझे इसको देख के तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पीनू, ए पीना, हालांकि वो यहाँ पर सो रही थी, मैं उसको देख के थोड़ा सा हाथ घुमा के फिर मैं यहाँ नमाज पढ़ने बैठी, आके धीरे से देखो फुल नींद में, उसको नींद लग ही रही थी, यहाँ आके सो गया मेरा बच्चा। और अब हो गई मेरी मगरिब की नमाज भी ख़त्म, और मैंने रख दी थी कॉफ़ी, क्योंकि अमीन पीता है कॉफ़ी और मुझे पीना था चाय, लेकिन आज मैंने कॉफ़ी बनाई दोनों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बेटे से मैंने क्या मंगाई थी, और माशाल्लाह मेरे बेटे को एक जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह ढूंढ कर लाया। एक्चुअली चाहिए था मेरे साउथ के फूल, पर आज पता नहीं वो नहीं मिले, तो बोला कि मम्मा इसमें लगे हुए अपने गांव के फूल लगे हुए, वीडियो कॉल करके दिखाया मुझे ये अबोली। हाँ, मुझे पूरे गजरा अबोली का चाहिए था, पर नहीं मिला, कोई बात नहीं। और जैसे कल देखा था आपने, मेरे साउथ का मैंने सेट खरीदी हूँ, तो उसके ऊपर मुझे साड़ी पहनना था, उसके ऊपर वो ये गजरा लगाना था, पर नहीं मिला, कोई बात नहीं। उसके मैचिंग की साड़ी भी नई रखी है, एंड मिलता जुलता गजरा भी मिल गया। और कॉफी बनाया, स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाया, और तेरी कॉफी, मेरे को इतना कंटाला होता ना चाय बनाने, तो मैंने चल तेरे साथ कॉफी पी लेती हूँ, बाहर निकलूंगी तो चाय पी लूंगी। आपने इसमें शुगर क्यों डाले था? वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तेरी कॉफी, वो बापरे शुगर मत डाला करो, बताओ बना के दो तो भी इनकी बातें सुनो, नहीं बनाऊंगी जा कल से। मम्मी की वजह से कॉफी एडिक्ट हो गया हूँ। हाँ, अभी मेरे को बता था, अरे मम्मा मैं काम में रहता हूँ ना, दिन में तो मैं भूख लगती है तो 3-4 कॉफी भगा के ब्लैक कॉफी पीते रहता, तो मैं उसको बोली नहीं पीना चाहिए, भूख लगती है, मैं तो बोली भूख लगती है तो इतने सारे मैंने फ्रूट्स रखा है बैग में डाल के ले जा, भूल जाता हूँ, मतलब सब चीजों का हाजिर जवाब रहता है, पर जो करना है वो दिमाग में नहीं रहता है। तो यही सब चीजों के साथ चलो फिर ब्लॉग को करते हैं एंड। और जैसे मैंने आपको बताई कि नेक्स्ट ब्लॉग में ही आपको दिखने वाला, लेकिन मैंने आपको उसका थोड़ा सा झलक दिखा दी कि मैंने मेरे बेटे से क्या मंगाई थी और मैं क्या पहनने के मतलब तैयारी कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ फिर निकलूंगी बाहर सुबह से, जैसे आप देख रहे हो घर पे ही हूँ, लेकिन अच्छा है, अच्छा थोड़ा आराम करी, रेस्ट भी मिल गया, काम भी हो गया, घर भी माशाल्लाह अच्छे से, जो चीज़ें मुझे करनी थी जुमेरात के दिन बाकायदा पूरे अच्छे से हुई, नमाजें हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटे के साथ बैठ के अच्छा वक्त बिता रही हूँ, अच्छे से कॉफ़ी पी रही हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अल्लाह का एहसान है कि इतना सब कुछ अल्लाह ने अता किया है, और हमेशा अल्लाह पाक का हमें ये जो अल्लाह ने हमें अता किया ना, तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मैं तो करती हूँ, आप सोचोगे या आप तो कभी नहीं सोचोगे, लेकिन जो हेटर्स तो रहते ही है, तो बोलने के लिए बोलती है, लेकिन अल्लाह जानता, क्योंकि हमारे आमाल हमें ले जाना होता अपने साथ, कहने के लिए कुछ भी कह दे, मैं भी कह दूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ सच में, क्योंकि वो आमाल में लिखा जाता है, और अल्लाह के पास जाने के, यहाँ तो कुछ भी नहीं सजा है, वहां है जो है वो,
तो इसीलिए बोलना आसान हो जाता है पर निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बोलो वही जो आप निभा सकते हो। तो इसी बातों के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, और दूसरे ब्लॉग की बहुत सारी तैयारी करना है, मेरे बेटे को जाना है जिम, तो सब चीजों के साथ में आगे की तैयारी है। तो अभी तो फिलहाल अल्लाह हाफिज, खुश रहिए और अपने दिल की बातें सुना कीजिए। अल्लाह हाफिज।